हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज है शनिवार और यहाँ पे मैं पनीर निकाल लिया। पनीर को मैश कर रही हूँ। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही, समझ में नहीं आ रहा है कैमरा कहाँ पे रखूँ कहाँ नहीं रखूँ। बहुत ही मुश्किल होता है अकेले वीडियो बनाना। तो देखिए, मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ, एक हाथ से काम कर रही हूँ। तो यहाँ मैं उठते ही पनीर को मैश कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए, और आज बेटी का है PTM और दक्ष बेटू के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो उसके लिए तो क्या एक पराठा या कुछ थोड़ा सा एप्पल कुछ भी रख दो तो चल जाता है, लेकिन हस्बैंड के लिए मैं टिफ़िन में दे रही हूँ आज पनीर की भुर्जी। फ्रेंड बने रहिएगा, ब्लॉग पूरा देखिएगा। और बेटी PTM जाएगी तो मैं जल्दी उठी थी, क्योंकि दोनों बच्चों को एक साथ ले जाना था और मुझे भी सारा काम करना था, नहाना, दोनों बच्चों को नहलाना, फिर ड्रेस पहनाना। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट मैंने वीडियो बनाया है, ज़्यादा वीडियो बनाया ही नहीं है फ्रेंड। इसमें दो तीन ब्लॉग ऐड करेंगे, फिर हम इसमें करवा चौथ वाला भी आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग आप देखना। तो यहाँ पे भुर्जी मैंने बना दी है और यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि वो रोटी लेके जाते हैं। और दक्ष के लिए पराठा बनाऊँगी, दक्ष जल्दी आ जाएगा तो फिर मैं दक्ष को भी लेने जाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे 9 बजे निकलना था दोनों बच्चों को लेके, और 8:30 पे वो निकले थे, उनका आज ऑफिस जल्दी जाना था। तो यहाँ पे इस चक्कर में मैंने और भी ब्लॉग नहीं बनाया है। तो यहाँ पे बस किचन का काम निपटा लूँ, सारा क्लीनिंग। कल है करवा चौथ, तो करवा चौथ की तैयारी करनी है। वापस आके मुझे मेहंदी भी लगवानी है, अभी हमारा मेहंदी नहीं लगी है। तो यहाँ पे बस फटाफट काम निपटा लेते हैं। दोनों बच्चों को तैयार किया था और फिर हम देखिए भुर्जी हमारी बन गई है, और हस्बैंड को हम टिफ़िन लगा दें, बेटी को भी तैयार कर दिया है। PTM में भी फुल ड्रेस पहन के जाना पड़ता है, और इतना टाइम लगता है बच्चों को ड्रेस पहनाने में, फिर बाद में आओ 1 घंटे के लिए तो बस उतारो आके फिर। तो यही है फ्रेंड, कोई नहीं, जैसा भी ब्लॉग बनाए आप पूरा ब्लॉग देखिएगा। जो चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज बेटी के ही टिफ़िन में हस्बैंड को रख दे रहे हैं, तो वो टिफ़िन ले जाना नीचे आते हैं, कहते हैं ज़्यादा भारी हो जाता है, और ये वजन ये टिफ़िन में है, थोड़ा वेट है। तो यहाँ से अब हम जल्दी जल्दी निकलेंगे, सीधे आपको स्कूल में मिलेंगे। और स्कूल में हमने कुछ भी ब्लॉग हमने ब्लॉग वीडियो कुछ शूट नहीं किया। दक्ष के लिए पूड़ियाँ बना दी हैं यहाँ पे, दक्ष थोड़ी पूड़ी खा लेगा और ले जाएगा, उसके टिफ़िन में रख दूँगी। तो यहाँ पे उनके लिए भी टिफ़िन हमने लगा दिया है, और सीधे स्कूल में आ गए हम। तो देखिए ये है स्कूल बेटी का, और पहले भी मैंने कई बार शेयर किया है, इसलिए मैंने कोई, और मैं बहुत ही जल्दी में थी क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी थी। तो यहाँ पे देखिए ये करवा चौथ का दिवाली का डेकोरेशन किया है, तो यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर सी हैं प्लेटें, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो बस थोड़ा सा वीडियो शूट किया है, आपको शायद शेयर किया है फ्रेंड। तो यहाँ पे ये है बेटी, इसको बस, तो यहाँ पे देख रही है, छोटे से गणेश जी हैं, और यहाँ मोदक बनाया है, और ये गुजिया हेलो है सब। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, करवा चौथ की शॉपिंग में, कामों में व्यस्त होंगे। करवा चौथ की तैयारी किस किस की हो गई है? और देखिए हमने आज मेहंदी लगाई है, और सुबह से हम बहुत ही व्यस्त थे, और सुबह हमारी भाग दौड़ भागम भाग हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी ऑफिस जाना था। तो उनके लिए मैंने जल्दी जल्दी पनीर भुर्जी और टिफ़िन लगाया था, और उसकी बेटे को भी स्कूल जाना था, और बेटी को आज PTM था। तो मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठी थी, बहुत कोशिश करी थी कि मैं ब्लॉग पूरा बनाऊं, लेकिन नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगवानी थी। फिर बाद में मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी, हाँ बोलो। हेलो गाइस, देखिए मैंने ब्लॉग बनाया था, अच्छा लगा? बहुत अच्छा है, दक्ष ने बनाया। फिर हमने वापस आके मेहंदी लगवाई है, क्योंकि कुछ क्लीन, मम्मी की मेहंदी देखो कितनी अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, देखिए कुछ इस तरह। अब मेरे हस्बैंड का नाम भी लिखा है इसमें, और देख लीजिए ये है मिस्टर राजीव कुमार लिखा होगा। हाँ, और देखो सूख चुका है ये मेहंदी, अब पता है जितनी सूखती जा रही है उतनी झड़ती जा रही है, पूरे घर में फैली। मम्मी ने पूरे घर में फैला दी, ये इधर देखो, इधर थोड़ा नीचे करवा दो। हाँ, वो दिखा देंगे हम बाद को। तो आप झाड़ू मारोगे ना? हाँ मैं झाड़ू मारूंगा। हाँ बेटा मार देगा, कोई नहीं, सफाई हो जाएगी मेहंदी, हमारा रंग आ जाए, ज्यादा रंग नहीं आता है मेरी मेहंदी में। लाओ मैं ही कर देता हूँ झाड़ू लगाने का। हाँ अभी और गिरेगी, पूरी तरीके से गिर जाए तब। तो आपने देखा होगा मैं मॉर्निंग में बहुत ही व्यस्त थी, दोनों बच्चों को तैयार किया, फिर हंस रहे हैं। बेटू हम बात कर रहे हैं ना, मम्मी वो हंस रही है।
हंसने दो, उस अपना काम करो। ब्लॉग बनाना इतना मुश्किल पड़ जाता है बच्चों में, तो वही है ना कि मैं कुछ नहीं दिखा पाई। फिर स्कूल गई, पीटीएम अटेंड किया, फिर दक्ष के स्कूल गई, दक्ष को उठाया पहले, फिर बाद में हम दोनों आए यहाँ पे, घर पे आए, फिर घर का फिर खाना बनाया, फिर से खाना बनाया, फिर बाद में खाना हमने खाया क्योंकि हमने कहा मेहंदी लग जाएगी। फिर मुझे लग रही थी भूख बहुत तेज, और कपड़े अभी हमारे थोड़े मशीन में पड़े हुए हैं, तो कपड़े मैं शाम को धुलूँगी, आराम से धुलूँगी, और फिर कल का तो काम है। ये रूम में जाओ, हाँ रूम में जाओ। तो मैं ज़्यादा बस मॉर्निंग का ब्लॉग मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया है अभी, और बस यही है फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, पूरा देखें, जो चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब करें, बने रहें और हमारा पूरा ब्लॉग देखें, आगे का हम दिखाएंगे। तो अभी जो मेहंदी हमने बना लगाई है करवा चौथ की, वो आपको दिखाया है, देखना कैसी है और ज़रूर बताना। और जब इसका कितना कलर आएगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि कितना कलर आया है कितना नहीं। बाकी तो तैयारी मेरी हो गई है, जो तैयारी रह गई है वो कर लेंगे। कोई मैं ज़्यादा तैयारी करवा चौथ की नहीं करती हूँ, बस थोड़ी बहुत जितनी हुई है उतना मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर मिलेंगे आगे। अभी दक्ष झाड़ू लेके घूम रहा है, पहले इसको देख लें, बहुत शैतानी कर रहा है, इसके एग्जाम चल रहे हैं, जल्दी आ जाता है, इसको मैं जल्दी ले आती हूँ, इसलिए मेरी भागम भाग सुबह से हुई है, नहीं तो बहुत अच्छा सा ब्लॉग सुबह से बनाते और कल आपको मिल जाता। लेकिन चलिए फ्रेंड, अब मेहंदी हमारी सूख चुकी है, हमने कहा आपको भी दिखा दें, और कुछ हमने इसमें एक दो शॉर्ट वीडियो भी बनाई है वो आप देखिएगा। लेकिन हाँ, आज जो ब्लॉग है वो मिनी ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने मिनी ब्लॉग में दिखाया है स्कूल का, पीटीएम का और मॉर्निंग का जितना शेयर किया है, मिनी ब्लॉग देखिएगा। बाकी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था कोई भी ब्लॉग, फिर बनाते हैं फिर दिखाते हैं आपके साथ। अभी चलना है ठीक है, अभी दक्ष के पास चल रहे हैं, दक्ष क्या खुराकाती में लगा हुआ है। तो यहाँ पे सैटरडे की शाम को हम फ्रेंड, ये ब्लॉग मैंने सैटरडे की मॉर्निंग से शुरू किया था और सैटरडे संडे का इसमें करवा चौथ का दिखाएंगे। तो यहाँ पे पनीर जो मैंने भुर्जी बनाई थी सुबह आधे की बना ली थी, बाकी थोड़ा सा रह गया था, तो यहाँ बेटी के लिए मैं बना दे रही हूँ शाम के खाने में सब्जी, जो उसको पनीर पसंद है, और मॉर्निंग में भुर्जी बनी थी तो उसने सही से खा नहीं पाई थी। तो यहाँ पे मैं चावल साफ़ कर लूँगी, और यहाँ पे चावल निकाल रख दिया, आटा भी निकाल के रख दूँगी, पनीर को कट कर दिया है, कढ़ाई में तेल लगा दिया, वो गर्म हो रहा है, मेहंदी हमने धुल दी है हमारा, फिर हम काम में लग गए थे, कपड़े मैंने धुले थे, और मॉर्निंग में दिखाएंगे कलर मेहंदी का कैसा आया है फ्रेंड। तो अभी हम जल्दी में, तो अभी फटाफट हम खाना बना लेते हैं शाम का, और खाना बना के और फिर शाम को जो सर्दी आती है वो मीठा कुछ खाया जाता है वो। तो यहाँ पे देखिए सारा मसाला हमने भूनने के लिए रख दिया है, अब इसको अच्छे से हम पका लेंगे, उसके बाद पनीर डाल देंगे, पनीर भी हमारा जल्दी बन जाएगा। तो सब्जी हमारी यहाँ बन गई है, रोटियाँ भी बन गई हैं, बाकी कम पड़ेंगी, गरम गरम बनाते हैं हम, आ गए अब बच्चे दोनों खेल रहे हैं, नहीं बच्चों को बना दिए हैं, हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए बाद में बनाएंगे। और सर्गी शाम को खाई जाती है मीठा, जैसे जलेबी है, इमरती है, पता नहीं क्या क्या खाया जाता है, कोई रबड़ी से खाता है, कोई दूध में भिगो के खाते हैं, मैं तो दूध वाली खाती नहीं हूँ और ना रबड़ी वाली खाती हूँ। लेकिन बाद में हमारे हस्बैंड ले आए थे, दोनों चीज़ें ले आए थे और रबड़ी भी लेके आए थे, बट मैंने नहीं खाई थी, मैंने ऐसे ही खाई थी, तो उसको बस थोड़ा सा मैंने क्लिप उसकी दिखाई है। और खाने में कह रहे थे खाओ खाओ जल्दी खा के देखो, तो फिर मैं किचन से ही शुरू हो गई थी। बाकी देखिए बच्चे दोनों देखिए शैतानी अपने लगे पड़े हैं, अपने का फुल शैतानी में। तो हस्बैंड आ गए और आके देखिए रबड़ी और ये लेके आए हैं, जलेबी की मैंने मना कर दी थी, तो कह रहे खा के देखो अच्छी है, तो दूध में भिगो दो रबड़ी से खा लो, मैंने कहा नहीं, तो मैंने ऐसी खाई थी। और कल तो है ही व्रत करवा जाओ, तो शाम को लगभग सभी लोग खाते हैं, कौन कौन खाता है। आप सभी के लिए हैप्पी करवा चौथ, आज करवा चौथ है फ्रेंड, तो करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मॉर्निंग में मैं उठ गई थी, देखिए मेरी ये मेहंदी का कलर ऐसा आया, ज़्यादा नहीं आता है हमारी मेहंदी का कलर, बहुत ही जैसे किसी किसी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, मेरी नहीं होती है। ये वाला हाथ थोड़ा भी गंदा है, मैंने आटा लगाया है, और मॉर्निंग में उठी थी तो मॉर्निंग से मैं पूरे में साफ़ सफाई में लगी हुई थी, फिर मैंने नहाया था और खाना बनाने की तैयारी है। अब यहाँ देखिए मैं साग घोट रही हूँ, ये
पालक का साग है जो मैंने साफ करा था, उसको साफ करने में टाइम में लगता है, फिर उसको धुला, फिर उसको बनने के लिए रखा, दोनों बच्चों को नहलाया, कपड़े भी धुले थे। तो बस फ्रेंड, और बाकी आज हम जितना करेंगे हम आपको दिखाएंगे, शाम को पूजा भी, और जो तैयारी है हमारा जितना भी सामान है वो सब हम शेयर करेंगे। बने रहिएगा ब्लॉग में, देखिएगा हमारा ब्लॉग फ्रेंड। तो अभी हमने चावल भिगो दिए हैं, आटा लगा दिया है, और हम बस ये क्या कहते हैं पालक को सही कर लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, एक तो हमारा ट्राइपॉड टूट गया है इसलिए हम कोई वीडियो सही से नहीं बना पा रहे हैं, तो इसको हमने बहुत अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम तड़का देंगे, और आप सबकी तैयारी हो चुकी होगी, और सब पार्लर भी जाते हैं, लेकिन मैं नहीं गई थी पार्लर, बस घर पे ही करूँगी जो भी है जैसा भी है। और देखिए हाथ धुल लेती हूँ मैं अपना, ज़्यादा कलर नहीं आया मेरी मेहंदी का। फ्रेंड अब हम तैयार होंगे, खाना हमारा सब बन चुका है, बहुत काम था किचन में, सारा काम करते अब फेस धुल के आई हूँ, फिर से नहा के आई हूँ मैं। अब ये है मेरी ड्रेस जो मैं पहनूंगी, अभी आपको दिखाऊंगी, बाकी सामान तो मैंने आपको दिखाई था, सामान रखा है देख लीजिए, ये सारा मेकअप का सामान है, अभी मैं करूँगी, और ज़्यादा अच्छा पूरा ब्लॉग नहीं दिखा पाऊँगी तो क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मैं फटाफट अब रेडी हो जाऊँ, तो बने रहिएगा ब्लॉग में देखिएगा। ये है ड्रेस जो मैं पहनूंगी, मेकअप का सामान सारा रख लिया मैंने निकाल के, कोई भूल ना जाऊँ कुछ सामान सब, तो अब हम इसको पहन के आ रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं। तो हम तैयार हो गए हैं, देखिए फ्रेंड ड्रेस पहन के पूरा अपना, और पूरा मेकअप करके, बहुत ही जल्दी जल्दी हमने मेकअप किया है, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं आता है लेकिन फिर भी मैंने जल्दी। हेलो गाइस, हम तैयार हो गए हैं, अब पूजा रह गई है, हम पूजा कर लेते हैं। अभी हमारे उबई जी ऑफिस से ही नहीं आया, संडे था लेकिन फिर भी ऑफिस गए हैं। तो ये है, ये मैंने अपनी शादी की चूड़ी डाल ली है आगे पीछे, इसमें पीछे डाल ली है और इसमें आगे डाल ली है, न्यू स्टाइल। हाँ, और मैं देखिए मेरा मेकअप है जो मैंने बहुत जल्दी किया है, और ये ड्रेस है हमारी, हम दिखाएंगे, सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। पूजा करेंगे हम बैठ के, इसका हमने ये दुपट्टा डाल लिया, ऊपर से चुंदरी डालेंगे, चुंदरी उड़ा दो बाबू हमें, चलो उड़ाता हूँ बीजी से, खोलो ना, उड़ा। नीचे मैं वीडियो मैंने शूट नहीं करी, चौकी मैंने बहुत अच्छे से लगा ली थी, कैलेंडर और सबका अच्छे से पूजन करा था, ये आ गए थे, फिर मैं छत पे आ गई थी नीचे पूजा करने के बाद, तो यहाँ छत पे जो जल दे रहे हैं वो मैं यहाँ सात फेरे लगा के सीख और गेहूं का दाना छोड़ रहे हैं एक एक करके, तो दक्ष की शैतानी हमारी कम नहीं हो रही है, छत पे आकर भी जैसे हम कर रहे हैं तो वैसे ही परेशान कर रहा था इधर से उधर, जो मैं सीखे फेंक रही थी उठाने की कोशिश कर रहा था, मैं मना कर रही थी कि मत उठाना भी मत उठाना, ये इतना मुश्किल हो जाता है, तो कपड़े संभालना ऊपर से जल चढ़ाना या घूमना, तो थोड़ा यहाँ पे दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है, तो मैंने कहा आप दाने पकड़े रहो, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी, और एक तो अंधेरा हो रहा था, पता नहीं लाइट आज बराबर वाली मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और छत पे मैं अपनी, तो यहाँ देखिए हम अपने चांद को देख रहे हैं, चांद निकल आया है तो पूजा कर ली है, और ये सीन कितना अच्छा है ये वाली क्लिप की, हाँ हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं छलनी से, और यहाँ अंधेरा है थोड़ा, पहले हमने ध्यान ही नहीं दिया, और ये चांद चांद के दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए हैं, छलनी से हमने एक दूसरे को देखा है, पूजा हमारी यहाँ पे हो गई है, अब हम अपने पति के हाथों से जल पी के और व्रत खोल लेंगे, ऐसे ही हर साल मैं अपने पति के हाथ से जल पीऊँ, व्रत खोलूँ, सदा सुहागर रहूँ, यही कामनाएँ करती हूँ, सब महिलाएं सदा सुहागर रहें, सबके पतियों की लंबी आयु हो, हर साल ऐसी खुशी भरा करवा चौथ आता रहे, अब मैं जल पीऊँगी यहाँ पे व्रत, तो जल खिला रहे हैं यहाँ पे, हमारा व्रत यहाँ पे खुल जाएगा, और थोड़ा सा मीठा खिला देंगे, फिर नीचे जाके हम लोग खाना खाएंगे,
बस इसी तरह मैं हर साल अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत ऐसी ही रखती रहूं, सदा सुहागन रहूं। पूजा हो गई है छत की, हम लोग नीचे जा रहे हैं। देखिए सब बच्चे हमारे कुछ ना कुछ सामान लिए हुए, बहुत सारा सामान हो जाता है ना छत पे जाते समय। तो हमारे दक्ष बेटू के हाथ में भी है, आरू के भी हाथ में, हस्बैंड थाली ले गए हैं और मैं जा रही हूँ फोन लेके। सिर्फ मुझे तो कपड़े ही संभालना मुश्किल पड़ रहे हैं। अब नीचे आ गए हैं, अब नीचे बनाएंगे थोड़े सब फोटो वीडियो। ये है मेरा लुक जो मैंने, ये है मेरी शादी की चुनरी है, कहते हैं सुहाग का पहनना चाहिए जिससे भामरे जो पड़ती हैं। ज्वेलरी भी पहननी चाहिए बट वो मेरे पास थी नहीं, है नहीं, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया है और ये चुनरी मैंने डाल दी है। तो ये है मेरा, अभी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। उसके हम अपना सामान ही नहीं मिल रहा है मुझे, ये हमारा दक्ष बेटू रख दो यहीं पे। और ये है, हमने नीचे पूजा करी थी, ये है नीचे आपको खाना है। ये देखिए हमने यहाँ पे पूजा करी थी और पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई है। और मम्मी ने नींव लगाया था सबसे पहले, नींव लगाया था। ये देखो गाइस हमारा लुक, फाइनल लुक, ये देखो फाइनल लुक, ये है मेरा फाइनल लुक। मैं कैसी लग रही हूँ? सो ब्यूटीफुल। ये है हमारे उपल जी, आ जाओ ये है हमारे उपल जी। देख लो ये दुपट्टा ना अभी मेरे से पड़ नहीं रहा है सही से, अभी मैं डालूंगी। और ये देखो कहाँ जा रहा है ये टीका, और मैंने ही मेकअप किया है। और ये है, अब हम लोग खाना खाएंगे, खाने में क्या क्या बना है वो अभी थाली लगा लें फिर हम आपको दिखाएंगे। और प्यास लग रही थी, भूख नहीं प्यास अभी भी लग रही है, पानी पीऊंगी उसके बाद देखूंगी फ्रेंड कैसा लगा हमारा ये लुक। चलिए खाना लगा देते हैं। पहले खाना हो गया है और पूरा किचन फैला है, पूरा घर फैला है। और मैं कपड़े भी चेंज करूंगी अभी, तो ये मेरा रुक नहीं रहा है, बार बार पीछे भाग जा रहा है। मैं इसको पकड़ के आगे ले आती हूँ, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, सुबह बच्चे स्कूल भी जाएंगे, तो अब हम काम निपटा लें। और हमारी ये मेहंदी जो मैंने आपको दिखाई थी, और ये है हमारा चूड़ी, और ये है हमारा करवा चौथ का लुक। कैसा लगा आपको? और बस ज़्यादा ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है, थोड़ा थोड़ा सा बनाया है, वही आपके साथ शेयर किया है। और कुछ नहीं, सुबह से काम में लगी हुई थी, बहुत सारा काम हो गया था, पूजा भी हमारी थोड़ी लेट हो गई थी। इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड। और ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, जो चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक बार फिर से सबके लिए हैप्पी करवा चौथ, गुड नाइट, बाय बाय।